नहीं बिल्कुल, ये बातें और पुख्ता हो गया है कि झारखंड को तंग और तबाह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, और इसका जीता जागता पुख्ता प्रमाण है हेमंत जी पर ईडी का केस। उन्होंने पहले भी चुनौती भरे शब्दों में कहा था कि भाई अगर मेरे पास मेरे नाम से कोई जमीन हो तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे, और वही प्रमाणित हुआ। ईडी ने जानबूझ करके राजनीति दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं के दबाव में आकर के झारखंड पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए इस प्रकार का केस लादा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। झारखंड को बांटने की क्या मामला, क्यों ऐसा उबाल सत्ता पक्ष के लोगों में? न बिल्कुल, ये स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से सत्ता में आने के लिए आतुर है। उन्हें पता है कि जनता हमें खारिज कर चुकी है, आने वाले दिनों में भी खारिज करेगी। एक लोग लौट के आने वाले नहीं है। जम्मू कश्मीर में जब इनके हाथ पांव ना चला, जम्मू कश्मीर को इन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त कर दिया, और आज पर्दे के पीछे से सत्ता में बैठे हुए हैं। वही साजिश, राज्य की जनता का राज्य के आदिवासियों के बारे में चिंता नहीं है, हम कैसे सत्ता पर जाएं, हम कैसे सत्ता पर बैठे, और उसी प्रकार के मुद्दों को उसी प्रकार की चीजों को लाते, इसलिए झारखंड को बांटना चाहते हैं। हमने कहा कि ऐसे बांटने वाले लोगों की निंदा होनी चाहिए, ऐसे पार्टियों को खारिज करना चाहिए। जनता तो इसका मूल्यांकन कर ही रही है, हम सबों को भी विधानसभा से इसे खारिज करने का प्रस्ताव लाना चाहिए। एक भी हो जाए, मैंने एक सिंगल भी हो जाए तो वो काफी है, एक सिंगल भी हो जाए तब हम समझें। ये सारे मुद्दे राजनीति मुद्दे हैं, इन्हें कोई मुद्दा विहीन लोग हैं, इन्हें जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने हिंदू मुसलमान का मुद्दा इनको देश में खारिज कर दिया, अयोध्या में खारिज कर दिया, प्रयाग में खारिज कर दिया, सब जगह खारिज कर दिया, तब इन मुद्दों को फिर से ये पुनर्जीवित करके जिंदा रहना चाहते, बस इतना ही है। 27% कर देंगे 3 महीने के अंदर, ये आपके सत्र में नहीं, सरकार ने तो किए है भाई, पेज किसने फंसाया ये आपको देखना है। सरकार करे तो करे क्या, सरकार तो 2 बार 3 बार उस अपनी सेशन में लाई, जो उनके अधिकार क्षेत्र में उसने किया, जिसके अधिकार क्षेत्र में वो करे तब ना। वो पिछड़ा विरोधी है जो आज हमें इसका लाभ, इस झारखंड को, पिछड़ों को नहीं मिल रहा है। तमाम चीजें जाति जनगणना पर सरकार ने निर्णय लिए, हमें लगता है कि राज्य सरकार और थोड़ा फास्ट होना चाहिए था, तेज होना चाहिए था, ताकि जाति जनगणना करे, लेकिन जिस तरह से डिस्टर्बेंस सामने आता है, काम तो बाधित होता है।